दिल में हमने ठान लिया है, जीवन का मकसद जान लिया है, मानवता को पहचान लिया है और समाज सेवा ही धर्म हमने मान लिया है। फिर से गांव में लौटेगी हंसी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं और तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम अरुण चौधरी है, जिन्हें लोग भोलन के नाम से जानते और पहचानते भी हैं। कोरोना महामारी के बीच जहां नेताओं के फोन बंद हो गए हैं, अधिकारी कहीं जमीन पर दिख नहीं रहे हैं, ऐसे में लोगों की सुरक्षा और इस महामारी में उनके बचाव का बीड़ा समाज सेवी अरुण चौधरी भुल्लन ने अपने जिम्मे ले लिया है। चाहे सैनिटाइजेशन की बात हो या फिर जरूरतमंदों तक ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंचाने की, अरुण चौधरी भुल्लन इन सभी में सबसे आगे हैं। और इसी कड़ी में उन्होंने क्षेत्र में सबसे बड़ी जीडीए मार्केट और अन्य सार्वजनिक दुकानों का सैनिटाइजेशन करवाया, साथ ही आसपास के घरों तक को भी सैनिटाइज करवाकर लोगों को कैसे बचाना है इसकी जानकारी भी अरुण चौधरी भुल्लन देते दिखे। इस समय जो कोरोना की भयंकर स्थिति से ये देश और दुनिया गुजर रही है, हिंदुस्तान में जो महामारी इस समय फैली हुई है, उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने अपने क्षेत्र में सैनिटाइजेशन का कार्य शुरू किया। उसी क्रम में आज हमने समस्त पटेल नगर की जितनी भी दुकानें हैं उनमें जीडीए मार्केट है, तमाम मेडिकल स्टोर हैं, हॉस्पिटल हैं, नर्सिंग होम हैं, मदर डेयरी हैं, इन सब दुकानों को आज हमने सैनिटाइज करवाने का काम किया। जब हमें पता लगा कि ऑक्सीजन की इस समय बहुत मारामारी मच रही है, तो जितने भी हमारे मित्र हैं, यार दोस्त हैं, जिनकी फैक्ट्रियां हैं, उन फैक्ट्रियों में इन ऑक्सीजन सिलेंडर से कटिंग का काम होता था, हमने वहाँ से सिलेंडर इकट्ठे किए। अब हम इन्हें भरवा कर और ज़रूरतमंद लोगों को देने का कार्य कर रहे हैं। हमारा यही प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो जाए। और मैं तो सभी लोगों से अपील करूँगा कि अपने आप का, अपना खुद का ध्यान रखते हुए, परिवार का ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करें और हिम्मत और समझदारी का परिचय दें। भरी दोपहर में पटेल नगर के पूरे क्षेत्र की दुकानों में सैनिटाइजेशन करवाने के बाद लोगों का ख्याल रखते हुए एक इलाके में हो रही पानी की समस्या को भी दूर करने के लिए अरुण चौधरी भुल्लन ने हाथ बढ़ाया और इलाके में हैंडपंप के लिए कार्य की शुरुआत करवा दी। और ऐसा उन्होंने क्यों किया वो भी सुनिए। कोरोना के लिए तो हम बराबर सैनिटाइजर क्षेत्र में करवा ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आने वाले समय जो है बहुत भीषण गर्मी पड़ने वाली है, उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने यहाँ हैंडपंप लगवाने का, यहाँ के लोगों की बहुत दिन से इच्छा थी कि यहाँ क्षेत्र में हैंडपंप लगवाया जाए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पीने के पानी की समस्या हो जाती है, लाइट नहीं आ रही, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमने यहाँ हैंडपंप लगवाने का निर्णय लिया। और आप ये देखिए कि ये लोग काम कर रहे हैं और दो तीन दिन में है पानी चालू हो जाएगा। इस रास्ते से बहुत गरीब लोग, रिक्शा वाले और सब्जी वाले और बहुत सारे रागी यहाँ से निकलते हैं, उन लोगों को भी निश्चित रूप इस हैंडपंप के लगने से फ़ायदा होगा। इसी क्रम में हमने जो है हैंडपंप लगवाने का प्रयास किया। मूंछों पर ताव के साथ हमेशा समाज के साथ खड़े रहने वाले अरुण चौधरी भुल्लन को उनके क्षेत्र की जनता लगातार आगे बढ़ा रही है और अरुण चौधरी भुल्लन द्वारा इस महामारी में लोगों के लिए की जा रही हर संभव मदद उन सभी बड़े नेताओं और अधिकारियों के मुंह पर तमाचा है, जो ऐसे समय में जनता के साथ होने की जगह अपनी बड़ी बड़ी कोठियों में चैन की नींद ले रहे हैं और जनता की परेशानियों को भूल गए हैं। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को हम भी सलाम करते हैं।